नमस्कार, मैं प्रिया। जो 10 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में चिलचिलाती गर्मी के बीच आने वाले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार। सरकारी स्कूल के गुरुजी अब पढ़ाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गठित होगी मोबाइल चिकित्सा टीम। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 इस महीने के अंत में होगा लॉन्च। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल मिलाकर 589 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 7353 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 37, अरवल में 8, औरंगाबाद में 11, बांका में 6, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 14, भोजपुर में 1, दरभंगा में 19, ईस्ट चंपारण में 19, गया में 13, गोपालगंज में 20, जमुई में 2, जहानाबाद में 3, कटिहार में 7, खगड़िया में 9, किशनगंज में 13, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 42, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 14, नवादा में 3, पटना में 55, पूर्णिया में 36, रोहतास में 7, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 24, सारण में 25, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 15, सुपौल में 57, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 6 मामले सामने आए हैं। वहीं 2 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1114 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,196 सैंपल की जाँच की गई है। पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने साधी चुप्पी। जहां एक तरफ पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग जोर शोर से हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राज्य में पंचायतों के कार्यकाल का विस्तार नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बीते दिन इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य में वर्तमान पंचायतों की अवधि विस्तार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मामले को राज्य सरकार के समक्ष रखने की छूट दे दी है। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और अन्य याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। बिहार में चिलचिलाती गर्मी के बीच आने वाले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार। बिहार में चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जब बिहार के अधिकांश जिलों में सुबह बारिश बीते दिन देखने को मिली, हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन भी तेज बारिश के आसार है। यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर मानसून भी बिहार में दस्तक दे सकता है। इस बाबत मौसम विभाग ने बिहार के सभी हिस्सों में ग्रीन के साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवा के साथ ही 3 से 12 mm तक बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति 11 जून तक रहेगी। इसके साथ ही 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी तीव्रता 17 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार है। आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में 14 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। 6 बड़े निवेशकों को नीतीश सरकार ने बिहार में दी जमीन। नीतीश सरकार ने अपने नए कार्यकाल के दौरान बिहार में इथेनॉल उत्पादन पर काफी जोर दिया है। इसी क्रम में जिंदल सहित 6 बड़े निवेशकों को बिहार में जमीन देने का काम भी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार निवेशकों ने सिर्फ उद्योग लगाने का प्रस्ताव ही नहीं दिया, बल्कि बात उससे आगे बढ़ी है। कई निवेशकों ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। वहीं जिन निवेशकों को भी अपनी जमीन आवंटित की गई है, उसमें जिंदल, माइक्रोमैक्स सहित कईयों के नाम शामिल है, जिनको बियाडा की तरफ से जमीन दे दी गई है। जानकारों की माने तो यह सारे निवेश इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापना से संबंधित है। इसको लेकर बिहटा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की हुई बैठक में जमीन आवंटन के 8 प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, जहां पर अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने 8 में से 6 जमीन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कोविड-19 हिस्ट्री नहीं होने पर भी 20% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना जताई जा चुकी है। वहीं इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की खबर भी लगातार आ रही है। इसी बीच पटना एम्स के चौंकाने वाले खबर ने सबको हैरान कर दिया है, जिसके तहत वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोविड-19 की कोई हिस्ट्री नहीं रही है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर अगर आती भी है तो इनके लिए इतनी खतरनाक नहीं होगी, जितनी आशंका जताई जा रही है।
सरकारी स्कूल के गुरुजी अब पढ़ाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार सरकारी स्कूल के गुरुजी अब आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चों को पढ़ाते नजर आने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार बिहार के प्राइमरी शिक्षकों को अब आंगनबाड़ी केंद्र से छोटे बच्चों को भी प्री प्राइमरी एजुकेशन देना होगा। शिक्षकों को सप्ताह में 2 दिन आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सहयोग ले सकते हैं। इसके साथ ही वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं उन्हें नजदीक के विद्यालय के साथ 15 दिन के अंदर संबंध कराए जाने का आदेश जारी किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता हुआ साफ। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण की शुरुआत होने वाली है। जानकारों की माने तो अगर सब कुछ सही रहा और समय पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 18 महीने में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा किनारे पटना यूनिवर्सिटी की जमीन पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। निर्माण में आने वाले सभी बाधाएं लगभग खत्म बताई जा रही है। जानकारों की माने तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अंदर डॉल्फिन सेंटर का निर्माण कराने के लिए अनुमति नगर विकास एवं आवास विभाग से मांगी थी। नगर विभाग एवं आवास विभाग ने हाल ही में इसकी स्वीकृति दे दी है। गंगा की 200 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण करने पर फिलहाल रोक है। नीतीश सरकार ने सभी डीएम को दिया आदेश। टीकाकरण को लेकर नीतीश सरकार ने बीते दिन सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सरकारी निजी विद्यालय के शिक्षकों के टीकाकरण का ऑर्डर जारी किया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से सभी डीएम, सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश से यह पत्र जारी हुआ है। जारी किए गए पत्र में यह आदेश दिया गया कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी विद्यालय के शिक्षक, उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए चिन्हित विद्यालयों में सेंटर का आयोजन कर मिशन मोड में टीकाकरण किया जाए। बिहार पुलिस का 9 सुविधाओं वाला पोर्टल अगस्त महीने में होगा लॉन्च। बिहार पुलिस का 9 सुविधाओं वाला पोर्टल आने वाले 2 महीने यानी कि अगस्त में लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी मदद से अब ऑनलाइन शिकायत और केस ट्रैकिंग की सुविधा मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें पहली सुविधा यही होगी कि आम आदमी थानों में ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा। इसके साथ ही FIR होने के बाद ऑनलाइन केस ट्रैकिंग की सुविधा भी रहेगी। इसके साथ ही कैरेक्टर वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, मिसिंग पर्सन की शिकायत, वाहनों की जांच आदि की सुविधा भी ऑनलाइन दी जाएगी, जिससे आम नागरिकों को काफी फायदा मिलेगा। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गठित होगी मोबाइल चिकित्सा टीम। संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार चिकित्सीय सुविधा मुहैया करवाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा टीम को तैनात करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब प्रभावितों के पास नाव से डॉक्टर को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस दल में डॉक्टर, नर्स और ANM के साथ पैरामेडिकल कर्मियों के आपदा प्रबंधन विभाग NDRF, SDRF के सामने फिर से नाव की व्यवस्था करने वाली है। दूसरे दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण चिकित्सा दल करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन को ससमय जिलाधिकारी सेना उपलब्धता को लेकर अनुरोध करने को कहा है। इतना ही नहीं, राज्य के 28 जिलों के सिविल सर्जन को भी अलर्ट कर दिया गया है। गया जिले में 12 जून को आयोजित होगा पासिंग आउट परेड। अफसर प्रशिक्षण एकेडमी गया 19वीं पासिंग आउट परेड को 12 जून को आयोजित करवाने जा रहा है। इस पासिंग आउट परेड में स्पेशल कमीशन ऑफिसर 46 की कैडेट भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल JAV रेड्डी, शौर्य चक्र विशिष्ट सेवा मेडल समादेशक, अफसर प्रशिक्षण एकेडमी निरीक्षण अधिकारी सह मुख्य अतिथि होंगे। इस भव्य पासिंग आउट समारोह के मुख्य आकर्षण पुरस्कार वितरण समारोह, मेमोरियल सर्विस, मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले परेड और पिपिंग सेरेमनी है। एक्टिविटी डिस्प्ले के तहत कई आकर्षक कार्यक्रम जिसमें जिम्नास्टिक्स, PT डिस्प्ले, माइक्रोलाइट, फ्लाइंग, घुड़सवारी प्रदर्शन, खुखरी डांस, बैंड डिस्प्ले एवं आतिशबाजी इत्यादि शामिल है। क्रिकेटर ईशान किशन ने लिया कोवैक्सीन का दूसरा डोज। जहां एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के कई लोग डरे नजर आते हैं, वहीं इसी बीच बिहार के ईशान किशन ने वैक्सीन लेकर मिसाल पेश की है, जिसके तहत बीते दिन क्रिकेटर ईशान किशन ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया। डोज लेने के बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह बेहद ही जरूरी है कि सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना का टीका ले लें। पटना में 2 जगह 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी लोग जल्द से जल्द टीका ले लेंगे, तभी हम कोरोना से मजबूती से लड़ पाएंगे।
148 साल बाद शनि जयंती पर आज लग रहा है सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होगा। तीनों खगोलीय पिंड एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होंगे। इससे पहले 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण इसीलिए भी खास है क्योंकि ग्रहण पर शनि जयंती काफी योग बन रहा है। हालांकि जानकारों की माने तो साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में सभी जगहों पर दिखाई नहीं देगा। इसका असर बिहार पर भी दिखने वाला नहीं है। ज्योतिषों की माने तो 148 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इससे पहले शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को हुआ था। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 इस महीने के अंत में होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना का पार्ट 2 बिहार में इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है। 2016 से शुरू होने वाले इस मिशन का पहला पार्ट बीते 5 साल के दौरान 2020 में ही पूरा हो गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन की समस्या के बीच इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इस महीने के अंत तक एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार मिशन पार्ट 2 में नए मानकों के साथ साल 2022 के लिए सर्वेक्षण होंगे। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के मानक के साथ नया सर्वेक्षण होगा। सड़कों के मेंटेनेंस पर खर्च होंगे 1000 करोड़। बिहार में सड़कों के मेंटेनेंस पर सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। बिहार के पथ निर्माण विभाग ने सुदूर इलाके से राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य 5 घंटे रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार मेंटेनेंस में भी पूरी ताकत लगा रही है। इसके कारण स्टेट हाईवे और मेजर रोड की स्थिति NH से भी बेहतर होने का दावा किया जाने लगा है, जिसके तहत सरकार अपनी योजना के अनुसार 1000 करोड़ से अधिक की राशि रोड मेंटेनेंस पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। इस बाबत पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि विभाग का पूरा ध्यान सड़कों के मेंटेनेंस पर है, जिससे लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो और सरकार इस पर बड़ी राशि खर्च कर रही है। बिहार के मदरसों में अब बदल जाएगा पढ़ाने का तरीका। बिहार के मदरसों में जल्द ही पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। इसको लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यूनिसेफ की मदद से नई योजना तैयार की है। इस बाबत बीते दिन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क्यूम अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नए शैक्षणिक सत्र में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने तहतानिया से SCERT और फिर वर्ग फोकानिया से मौलवी तक NCERT का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसकी ट्रेनिंग मदरसा के प्रधान मौलवियों को दी जा चुकी है। कोरोना काल में बंद के दौरान अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए ब्रिज मटेरियल तैयार किया गया है। बिहार में विकास को फिसड्डी साबित करने की नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार आए सामने। बिहार में विकास को फिसड्डी साबित करने की नीति आयोग की SDG रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार ने खुद सामने आकर बिहार के विकास कार्यों की गिनती करवाई है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि साल 1954 में से 2005 तक राज्य में कुल 3 अभियंत्रण महाविद्यालय और 13 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान थे, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमशः लगभग 800 एवं 3840 से देश के पुराने अभियंत्रण महाविद्यालयों में से एक बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को केंद्र में रहते हुए साल 2004 में NIT में परिवर्तित कराया गया। पिछले 15 साल में 38 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 31 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमशः 9975 और 11332 है। अब राज्य में कम से कम एक अभियंत्रण संस्थान स्थापित है। उच्च तकनीक शिक्षा में विकास का प्रयास जारी रहेगा। बिहार विधान परिषद कमेटी के सभापति की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा भी हुए शामिल। बीते दिन आयोजित हुए बिहार विधान परिषद कमेटी के सभापति की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे। आपको बता दें, सभी समितियों के सभापतियों के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बीते दिन पहली बैठक की थी। इस दौरान ही कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि यह परंपरा रही है, कमेटी के गठन के बाद सभापतियों की बैठक होती है और फिर आगे की रणनीति तैयार होती है। इसे लघु सदन भी कहा जाता है। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा, नीरज कुमार, गुलाम गौस, प्रेमचंद्र मिश्रा सहित सभी सभापति पहुंचे थे। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर फिर उठाया सवाल। हाल ही में तेजस्वी यादव की तरफ से अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के बीच कट ऑफ मार्क्स को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में कटाक्ष करते हुए संजय जायसवाल ने पलटवार किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि BPSC का रिजल्ट देखकर हमारे नवी पास नेता के पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। उनकी पीड़ा ये है कि पिछड़ों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के बराबर कैसे हो गया। कह रहे हैं कि फिर रिजर्वेशन से क्या फायदा। नवी पास नेता जी बहुत खुश होते अगर सामान्य वर्ग के 535 के बदले पिछड़े वर्ग का 250 पर सिलेक्शन होता। इनके पिताजी ने बहुत मेहनत से चरवाहा विद्यालय बनाया था और जीवन भर पिछड़ों को लाठी में तेल पिलाने की ही राजनीति समझाए हैं। क्या NDA में अलग थलग पड़ गए हैं मांझी? हाल ही में NDA में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जीतन राम मांझी ने की थी, जिसको लेकर भाजपा ने इसे औचित्य विहीन करार किया था, जिसके बाद से लगातार मांझी के NDA में अलग थलग पड़ने और विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, अब जदयू की तरफ से भी विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो इंटरनल फोन पर बात करनी चाहिए। सरकार किसी एक की नहीं है बल्कि
जिम्मेदारी सबकी है। हर बात को हर समय उठाना सही नहीं है। जो सवाल उठाया गया है वो अभी नहीं उठाया जाना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के खिलाफ बिहार कांग्रेस करेगी हल्ला बोल। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को देखते हुए 11 जून को कांग्रेस नेता अपने अपने जिलों में पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन करते देखे जाएंगे। इसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने सभी जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायकों, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ और वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर 11 जून को अपने अपने जिले और प्रखंड स्थित पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन करने का निर्देश जारी किया है, जिस पर कांग्रेस द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि प्रति बैरल न्यूनतम कीमत रहने के बावजूद भी तेल की कीमत में कमी नहीं की जाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम दिल्ली का शासक बना। साल 1966 में वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले में उत्पादन शुरू हुआ। 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ। 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत दर्ज की। 1890 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म हुआ था। साल 1931 में भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक M.S. गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ। साल 1955 में सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आधार कार्ड को डाउनलोड और रीप्रिंट करवाने के लिए आ गया है नया ऐप। अगर आपको भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है या रीप्रिंट करवाना है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड को डाउनलोड करने और रीप्रिंट करवाने के लिए नए एप्लीकेशन को रोल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप 35 और जरूरी काम भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एम आधार ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास पहले से एम आधार ऐप है तो पुराने ऐप को अनइंस्टॉल कर नया वर्जन डाउनलोड कर ले। दरअसल UIDAI ने एम आधार ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब ग्राहकों को कई नई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ICC ने जारी की नई टेस्ट रैंकिंग। ICC ने हाल ही में नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अश्विन जडेजा टॉप 10 में शामिल होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके तहत बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग विराट कोहली की है, जो 5वें स्थान पर भारत के बल्लेबाज के तौर पर पहुंचे हैं। वहीं ऋषभ पंत और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। दोनों के ही 747 रेटिंग पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही रैंकिंग में रविंद्र जडेजा को काफी फायदा हुआ है। वो ICC टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग के लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो इस सूची में भारतीय गेंदबाज अश्विन के अलावा कोई नहीं है। ऑफ स्पिनर आर अश्विन दूसरे पायदान पर बने हुए हैं, उन्हें 850 पॉइंट्स मिले हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,680 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,680 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,400 रुपए था। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.29 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, साहिबा खातून, बिहारी मोबाइल सॉल्यूशन, शुभम, रवि, मुकेश कुमार, नितेश कुमार, गौरव यादव, सूरज कुमार, प्रेमचंद कुमार, सुशील कुमार, विकी वर्मा, चंदन कुमार, ललित कुमार, धीरज कुमार, पीयूष सत्यम, राजीव कुमार, अजीत कुमार, दुर्गेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को बढ़ावा देने और COVID-19 को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट के जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना